नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आप इस पौधे को जानते हैं? यदि हाँ तो आज आपको इसी पौधे के कुछ औषधीय गुप्त प्रयोग बताने वाले हैं, जो सभी प्रकार के दांत खाज खुजली को तुरंत दूर करते हैं, तथा इसके अलावा इसके कुछ अन्य प्रयोग भी हैं, वह भी आपको जानने को मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसकी छोटी सी पहचान भी आप जान लीजिए, ताकि आपको संपूर्ण पौधे की जानकारी अच्छे से प्राप्त हो सके। इस पर इस तरह के पत्ते लगते हैं जो कुछ मटमैले टाइप के होते हैं। पत्तों का आकार पान की तरह कुछ लंबा होता है। इसके फूल इस तरह के सफेद और गुलाबी रंग के आभा लिए होते हैं। इसके संपूर्ण पौधे में दूध निकलता है। यदि आप इसका पत्ता तना या टहनी को तोड़ते हैं तो वहां से दूध निकलता है। इसका तना पोला होता है। इसकी लकड़ी अंदर से पोली होने के कारण ही पुराने समय में इसका उपयोग धूम्रपान के लिए भी किया जाता था। इस पौधे को अधिकतर सभी लोग बेसरम के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये पौधा भी बेसरम होता है। ये कहीं पे भी पनप जाता है। यदि इसको काट के कहीं पर भी आप फेंक दो, वहीं पे ये पनपने लगता है। गर्मियों में ये सूखता नहीं है, न ही इसके पत्ते झड़ते हैं। अधिक ठंड और बरसात में भी ये पौधा खराब नहीं होता है, तथा पानी के अंदर भी ये पड़ा रहे तो भी नहीं सड़ता है। इसलिए इसको बेसरम कहा जाता है। ये हर परिस्थितियों में जीवित रहता है। हो सकता है आप इसे किसी और नाम से जानते हों। वैसे कुछ नाम है, जैसे कि चोटमार, दूधिया, पहाड़ी आक, डॉक्टर का पौधा, धूल कोमली, और भी काफी सारे नाम हैं। आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं और आप इसको क्या नाम से जानते हैं, कमेंट करके आप जरूर बताएं। हो सकता है आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए। चलिए इसके औषधीय प्रयोग जानते हैं। उससे पहले आप समझ लीजिए कि यह पौधा बहुत ही जहरीला होता है, इसलिए पशु पक्षी भी इसको नहीं खाते हैं। लेकिन कोई भी वनस्पति व्यर्थ नहीं होती है, उसके भी कुछ ना कुछ औषधीय प्रयोग और लाभ जरूर होते हैं। यदि इसका औषधीय प्रयोग नहीं भी किया जाए तो फिर भी यह लाभकारी है। जैसे कि जिन लोगों के मकान, घर या खेत, वहाँ पर हर साल पानी गिरने के कारण कटाव होता है, मट्टी कट के बह जाती है, तो वहाँ पर आप इस बेसरम के पौधों को काट काट कर गड़ा दीजिए, जिससे मट्टी का कटाव रुक जाएगा। इसके बाद इसके औषधीय प्रयोगों की बात करें तो एक प्रयोग ऐसा है जो सभी के काम आ सकता है। जिन लोगों को सफर के दौरान बस आदि में सफर करते समय उल्टियां होती हैं, वह लोग इस बेसरम के पौधे के पत्तों से अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। सिर्फ आपको इसके पत्तों को जूते या चप्पल के अंदर रख लेना है। इसके बाद यदि आप सफर करेंगे तो आपको उल्टियां नहीं होंगी। इस बेसरम के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कीटनाशक भी बनाया जा सकता है, जो मल्टीपर्पज यूज है और हानि रहित है। इसका उपयोग आप फसलों पर, सब्जियों पर और जिन पेड़ पौधों में कीड़े लग रहे हैं उन पर भी प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप इस कीटनाशक को रुके हुए पानी में डाल देते हैं तो वहाँ पर पनपने वाले डेंगू आदि के मच्छर भी नहीं पनपते हैं। इसको आप घर के कूलरों में भी डाल सकते हैं। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। बेसरम के पत्ते, आक के पत्ते, नीम के पत्ते और कनेर के पत्ते, ये सभी आपको आसानी से मिल जाएंगे। इन सभी को कूट पीस कर बारीक पेस्ट बनाएं और फिर इसके अंदर बहुत सारा पानी डालकर खूब उबालें। उबालने के बाद इस पानी को छान कर रख लें। बस तैयार है आपका कीटनाशक। इसको आप कई महीनों तक रख सकते हैं, खराब नहीं होगा। इसके बाद जो लोग दांत से परेशान हैं, तरह तरह की दवाई लगाने के बाद भी दांत ठीक नहीं हो रहा है, तो वह इसके फूलों को पीसें और जहां पर दांत है वहां पर लगा लें। इसका दूध भी लगाना चाहिए साथ में, क्योंकि इसका दूध दांत को दूर करने की बहुत ही अच्छी दवा है। यह दांत के कीटाणुओं को मार देता है। यह सभी प्रकार के दांत पर प्रयोग किया जा सकता है। और जो लोग खाज खुजली से परेशान हैं, वो लोग भी बेसरम के पत्तों का प्रयोग करके अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। बेसरम के पत्तों को लगभग 100 ग्राम पत्तों को पीस लीजिए। उसके अंदर 5 ग्राम सुहागा, 5 ग्राम गंधक, 5 ग्राम कपूर, तीनों को बारीक पीस कर उस पेस्ट में मिला दीजिए। फिर उसको दांत खाज खुजली पर लेप करें। ऐसा कुछ दिन प्रयोग करते रहने से पुरानी दांत खाज खुजली भी ठीक हो जाती है। चोट मोट आदि के दर्द को दूर करने के लिए भी इस पत्तों का प्रयोग किया जाता है। इसके पत्तों पर थोड़ा सा तेल लगाकर गुनगुना करें और वहां पर बांध दें जहां पर दर्द हो रहा है या चोट हुई है, और ऊपर से कपड़ा बांध दें। आप देखेंगे कि आपका दर्द बहुत ही जल्दी ठीक हो गया है। और यदि शरीर के किसी हिस्से पर सूजन है, वहां पर भी आप इसके पत्तों को गर्म करके बांध दें तो सूजन ठीक हो जाती है। जिन लोगों को एड़ी में दर्द होता है, वह इसके पत्तों पर सरसों का तेल लगाकर दर्द वाले स्थान पर बांध देते हैं तो एड़ी का दर्द भी ठीक हो जाता है। इसके ताजा फूल पत्ते डंडियों को तोड़कर जहां पर चूहे आते हैं वहां पर रख देते हैं तो चूहे आना बंद हो जाते हैं।
तो देखा आपने कितने सारे इसके औषधीय प्रयोग और काम के प्रयोग हैं। यदि आप भी कोई प्रयोग जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको फिर एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।